Hey guys, welcome back to the channel and welcome back to Tata Nano XT 2015 series of videos. So, kaisa chal raha guys? So, guys, aap sabki request aa rahi thi mere paas jo iska Amphistream ka jo iska stock factory stereo hai, uske bare mein thodi si detail chahiye. To maine socha ki kyun nahi? Main to waise hi audiophile hu to ek stereo ka review tu matlab banta hai yaar bilkul. So, basically maine iska Bluetooth to connect kar liya hai, lekin ek aaj problem mujhe abhi starting mein face ki hai ki Bluetooth connect karne ke baad maine apne phone ke through usme song play kiya, but wo play hi nahi ho raha tha kyunki FM hi chal raha tha. And maine pure stereo mein dhoond liya, koi button mujhe mil nahi raha, lekin maine finally dhoond liya hai. Ghabrao mat guys, main aapko sare details bataunga kaise karna hai. Basically Bluetooth to directly connect ho jayega jaise hi aapne इसको ऑन किया, और उसके बाद अपने फोन से आप इसको सर्च करोगे ब्लूटूथ के थ्रू तो वहां पे आपको टाटा नैनो दिख जाएगा. एंड गाइस, उसका कोड 1234 है, 00000888 ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ 1234 लिखोगे उस पे तो वो पेयर हो जाएगा बहुत ही इजीली. सो मैं आपको स्टेरियो चला के दिखाता हूं. ऑलराइट गाइस, ये है गाइस नैनो का स्टेरियो, जो कि दिखने में सच्ची बात बताऊं इतना ग्रेट नहीं लगता. बस इसका ये जो कलर है, ये कार के डैशबोर्ड के थीम के साथ मैच कर रहा है, बस एक वही चीज अच्छी है, बाकी इट लुक्स प्रीटी ओल्ड फैशन. सो ये है हमारा स्टेरियो. इसके अंदर फीचर मैं आपको सारे बता देता हूं. सीडी ड्राइव, इसके अंदर सीडी ड्राइव भी है, एफएम, यूएसबी, ब्लूटूथ, ऑक्स, यहाँ पे सारा कुछ विजिबल है और सब सारे फीचर्स हैं. सो बहुत मतलब फीचर की कोई कमी नहीं है इसके अंदर. सो गाइस, अभी मेरा फोन इसके थ्रू कनेक्टेड है, बट ये स्टिल एफएम ही चला रहा है. ये देखो, वॉल्यूम बढ़ा के दिखाता हूँ, देखा. एंड ये जितने भी बटन है मैंने सारे दबा के देख लिए. जैसे सोर्स का बटन है, सबसे पहले देखो मैं SRC को दबा रहा हूँ, यहाँ पे FM का चैनल बदला, AM आया, फिर CD ड्राइव आया, USB आया, ऑक्स आया, बट ब्लूटूथ नहीं आया. अब आप सोचोगे यार ब्लूटूथ क्यों नहीं आया यार. सो जैसे कि मैं अभी अपने फोन से गाना प्ले कर देता हूँ, गाना हो गया है गाइस प्ले, बट यहाँ पे अभी उसको चेंज कैसे करना है, ब्लूटूथ के थ्रू कैसे चेंज करना है. सो गाइस, उसका सबसे इजिएस्ट मेथड ये है, आपको ये फोन के बटन दिख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन एंड रेड. सो जैसे मैं ग्रीन बटन दबाऊंगा, देखना यहाँ पे क्या होता. तो इसका गाइस यहाँ से ब्लूटूथ चालू होता है. एंड लेट्स जस्ट हैव सम साउंड टेस्टिंग. Sometimes I feel so broken, that's why I stay in motion. Ain't nobody slowing me down, yeah. Ain't nobody stopping me now. It sounds fantastic, guys. Guys, the stock stereo of Tata Nano XT is sounding fantastic. मुझे सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे रद्दी पर भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बट टाटा की यार ये बात माननी पड़ेगी, वो अपनी हर एक कार के अंदर सिस्टम बहुत बढ़िया देने लग गए हैं. सो मतलब मैं बताऊँ, मैंने काफी सारे स्टॉक सिस्टम सुने, इंक्लूडिंग माई पुंटोज. दिस इज बाय फार द नॉट द बेस्ट, बट इट इज स्टिल वेरी वेरी गुड. मतलब पुंटो से कंपेयर करूँ, पुंटो का 6 स्पीकर सेटअप, बट दिस वन इज साउंडिंग बेटर एट स्टॉक सेटिंग्स. आई मीन मतलब बस मैं जो स्टेरियो है उसकी इक्वलाइजर सेटिंग्स के अंदर इसका बेस थोड़ा सा बूस्ट करना है, थोड़ा सा ट्रेबल बूस्ट करना है, अदरवाइज वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा. बट अभी यहाँ पे दोनों चीजें काफी बूस्टेड थी, एंड उसके बाद इट इज साउंडिंग ग्रेट. बाकी इसके अंदर नॉर्मल ही सेटिंग्स है, जैसे एक नॉर्मल स्टेरियो के अंदर होती है, कोई स्पेशल इक्वलाइजर सेटिंग्स नहीं है एक्सेप्ट फॉर द बेस, ट्रेबल, फेडर एंड बैलेंस. एंड थोड़े बहुत इक्वलाइजर प्रीसेट्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, ये हो गया एक चीज, जैसे यहाँ पे ओके दबाऊंगा, कुछ आ रहा नहीं, वेट,
इसमें राइट लेफ्ट होगा या नॉर्मल जैज पॉप रॉक क्लासिक नॉर्मल नॉर्मल भी रहने देते हैं एंड ये फेडर ये बैलेंस ये ट्रेबल ये बेस बस इसके अंदर यही एक नॉर्मल सेटिंग्स हैं नथिंग सो फैंसी बट इट वर्क्स So that's for the review of the Tata Nano XT stock stereo, guys. आप मुझे बताना इसमें अगर मैंने कोई कमी पेशी छोड़ी हो Basically, guys, कई लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि इसके अंदर अगर डायरेक्ट एम्पलीफायर या डायरेक्ट सबवूफर लगाने का ऑप्शन होगा कि नहीं होगा So, मैं आपको बता दूं, guys, किसी भी स्टॉक स्टेरियो के अंदर एम्पलीफायर के लिए प्री आउट नहीं होते आपको एक लाइन आउट कन्वर्टर उसके लिए लगाना पड़ता है जो कि मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है आपको मैं लिंक यहाँ पे भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी रहेंगे एंड वो आप चेकआउट कर सकते हो अपने पुंटो के अंदर भी स्टॉक स्टीरियो है उसके अंदर मैंने लाइन आउट कन्वर्टर इंस्टॉल किया था एम्पलीफायर के लिए सबवूफर एंड सारा कुछ उससे बहुत ही अच्छी तरह वर्क करता है सो उसके लिए सारी काफी सारी डिटेल एम्पलीफायर की भी और लाइन आउट कन्वर्टर की भी उन पर्टिकुलर पुंटो की जो सीरीज है उसके अंदर है आपको पूरी प्लेलिस्ट में दे दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर लेना सो बाकी मुझे सही में बताऊं तो स्टॉक स्टीरियो के हिसाब से काफी अच्छा लगा है बाकी चलो मिलते हैं गाइस कमेंट सेक्शन में अब एंड या दैट्स इट फॉर द दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड अब मिलेंगे गाइस के शायद से रिव्यू वीडियो में फुल एंड फाइनल रिव्यू वीडियो बहुत ही मजा आएगा गाइस उसके अंदर सो गाइस अगर आप नए हो मेरे चैनल पे ये नानो की सीरीज तो है मेरी ओरिजिनल जो नानो है शायद आपको दिख रही हो वो खड़ी एंड उसके ऊपर तो बहुत ही सारे वीडियोस है गाइस एंड पुंटो के ऊपर भी है एंड कार ऑडियो के ऊपर भी है कार एंड होम ऑडियो में भी है ज्यादा फास्ट बोल रहा ना कुछ रह जाता है सो ये सारी चीजें तो है एंड ट्रैवल व्लॉगिंग भी है गाइस तो आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना चैनल को एंड आपको कुछ भी गाइस अच्छा लगता है तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड गाइस शेयर शूट करते रहना ठीक है गाइस हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में बाय टेक केयर सी यू हैव लॉट्स ऑफ फन